देखिए, जो वेब चैट शो क्रिएट करने का जो मेरे को माइंड आया है, वो एक्चुअली मेरा एक फिल्म के बारे में मेरा प्लानिंग था। वहाँ मैंने वुमेंस के रिलेटेड एक मैटर था, उस पर मैं ट्राई कर रहा था, बट सम टेक्निकल रीज़न वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। देन उसके बाद फिर मैंने कहा चलो किसी तरह ये चीज़ लोगों को बताओ। मतलब एक्चुअली हम लोग जो टीवी पे देखते हैं वो चीज़ ओरिजिनल नहीं है। पर्सनल लाइफ में लड़कियों के, औरतों के क्या लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वो हमको उनकी आवाज़ पे सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग सिर्फ एनालाइज कर लेते हैं कि हम अपनी आवाज़ में सुन बोलें कि हाँ मैं मैन हूँ, मैं बोलूँ। भाई उनका क्या सोच है, उनका लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, वो उनकी आवाज़ में सुनना ज़रूरी है। तो मुश्किल बहुत था, काफ़ी टाइम भी लगा मुझे ये शुरू करने में, बट फाइनली मेरा ये था कि ऐसा भी नहीं लगे कि लोग वल्गर की वल्गैरिटी की तरह ले, जो मेन इश्यूज़ हैं उसको मैं टारगेट करूँ। तो ये भी जानना होगा कि आपने महिला को चुना है, जो जितनी महिलाएं शो का हिस्सा बनी हैं, वो जो बातें बोली हैं शो के दौरान, तो क्या रियल लाइफ इंसिडेंट से जुड़ी बातें हैं या फिर वो एक काल्पनिक बातें हैं? रियल इंसिडेंट से जुड़ी हैं, उनसे इंस्पायर्ड होकर एक्ट्रेस पे मैंने किया है, क्योंकि कोई भी लेडीज़ जो महिला होती है वो अपना नाम डेफिनेटली अपनी लाइफ स्पॉइल करने के लिए सामने नहीं लाना चाहती। तो हम लोग उनकी लाइफ, जैसे कोई भी मुझे बताता है पर्सनल लाइफ में, कई लोगों का इंसिडेंस होता है, तो उससे मैं इस पर थोड़ा सा वो करके कि जिससे किसी की लाइफ स्पॉइल ना हो, लोगों के सामने लाना चाहता हूँ, तो वो मैं उसी तरह से बनाता हूँ। ये जानना चाहूँगा कि महिलाओं को क्यों चुना आपने? मतलब और भी वर्ग होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे सोसाइटी में अच्छे काम करते हैं, या बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं जो अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के अच्छे काम करते हैं, महिलाओं को चुन के उनके दिल की बात या उनसे जुड़ी रियल बात को क्यों चुना आपने? महिलाओं को क्यों चुना? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ से बहुत ज़्यादा वो होता हूँ कि हम लोग हर चीज़ पे बोलते हैं कि महिलाओं को बराबरी का हक देना चाहिए, हर चीज़ पे बोलते हैं, पर देना नहीं चाहिए, उनका हक है वो, ये कोई दे नहीं सकता, ये उनका हक है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि कैसे मिलेगा, कैसे उनको वो? तो ये हक जो है वो खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, कोई दूसरा उनको दे नहीं सकता। और एक्चुअली आज इक्वलिटी की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, लोग बोलते हैं मेंस वर्ड है, मेंस है, मुझे नहीं लगता सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेंस है, खुद औरतें ही इसकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप आज की डेट में अगर बात करें कि किसी के यहाँ लड़का नहीं हो रहा है, तो कोई भाई, चाचा, ताया ये नहीं बोलने जा रहा कि भाई इसका लड़का नहीं हुआ है, हमारा वंश नहीं, औरतें बोल रही होती हैं भाई कि वंश नहीं बढ़ेगा, वंश नहीं बढ़ेगा, जिस किसी को अपने परदादा का नाम नहीं मालूम, वंश नहीं बढ़ेगा। तो औरतें ही अपने आप को वो स्पॉइल करती है। मेरा एक लाइफ का एक इंसिडेंस था जो मुझे बहुत ज़्यादा इस पर वो किया, मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी, मैं नाम नहीं लेता हूँ, उसको कुकिंग नहीं आता, खाना बनाना नहीं आता। मैं उससे मिलने जाता था तो मैं कुकिंग करता था, मुझे थोड़ा बहुत आता है। फिर मेरा ब्रेकअप हो गया, कुछ टाइम बाद मैं अपनी एक फ्रेंड के घर खाने पे गया, उसने मुझे इनवाइट किया, तो ऐसे ही बात हुई कि मुझे बनाना आता है नहीं आता है, तो उसने मुझे ये पूछा, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत आता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता वहाँ बनाता था। तो उसने मुझे ये बोला क्यों, वो एक लड़की, उसको बनाना चाहिए। भाई ये कौन डिसाइड करेगा कि एक लड़की को सिर्फ खाना ही बनाना चाहिए? बट लोग ये चीज़ क्यों बोलते हैं? औरतें, एक लड़की ने मुझे ये बात बोली तो मुझे बहुत शॉकिंग लगा। अगर वो खुद काम कर रही है, मैं काम कर रहा हूँ, हम दोनों एक ही पेज पे हो गए, तो हम क्यों ये बोलने जाते हैं कि भाई उसको खाना बनाना आना ही चाहिए? ये चीज़ ये भी जानना चाहूँगा कि हाल ही में देखिए अनुराग कश्यप और एक कपूर ने बहुत सीरीज लाई है गंदी अगेंस्ट, दोनों में काफ़ी ज़्यादा मतलब न्यूडिटी है, काफ़ी ज़्यादा भलगरने से, क्या कहना चाहेंगे, इतनी गंदगी फैला रखी है डिजिटल मीडिया में, तो इस तरह से आप अपने शो के माध्यम से एक सफाई अभियान कर सकते हैं, ला रहे हैं डिजिटल मीडिया में? देखिए मैं किसी को ये नहीं बोलना चाहता हूँ सफाई अभियान मुझे लाना है, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। जहाँ तक बात है, अगर कोई स्टोरी ऐसी है जिसमें थोड़ा बहुत बोल्डनेस है तो आप दिखाइए, पर जो लेडीज़ हैं या गर्ल्स हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आप अपने प्रोजेक्ट को इंडोर्स करने के लिए सिर्फ गर्ल्स को न्यूडिटी दिखाओ यार वो दिखाओ, जो मेन कॉन्सेप्ट है उस पर कॉन्सेंट्रेट। अब कई वेब सीरीज़ मैं देखता हूँ, उसमें ये होता है कि उनका टारगेट ही ये है कि वो उनका माइंड सेट है कि हमें औरतों के कपड़े उतारने हैं, सेक्शुअल सीन दिखाने हैं, तो उसके ऊपर वो स्टोरी बिल्ड करते हैं। और वो स्टोरी बिल्ट ऐसा होता है जैसे आपने कपड़े तो पहले सिल लिए और बाद में आदमी को फिट कर रहे हैं, जबकि नॉर्मली आदमी पहले आता है फिर उसके कपड़े सिले जाते हैं, पर यहाँ आप क्या कर रहे हैं, कपड़े पहले सिल लेते हैं कि हमें न्यूडिटी दिखाना है और उस पर स्टोरी बिल्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। ये भी जानना चाहूँगा आपको कि क्या विजन है, मतलब आपका बैकग्राउंड थोड़ा बताइए, क्या विजन है, आगे चलकर क्या करना चाह रहे हैं और किस तरह से उस चीज़ को आप आगे ले जाएंगे? देखिए बेसिकली तो मैं डायरेक्शन से हूँ, मैं डायरेक्शन फील्ड से हूँ, और मेरा कोई ऐसा बचपन से ड्रीम नहीं था डायरेक्शन का, बट मैं सिंपली दैट
मूवीज़ देखता बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा इतना देखता था कि पर वो मैं खुद एनालाइज भी करता था कि यार ये इसमें अगर ये होता तो ये होता, मतलब एक अपना ओपिनियन होता है, रिव्यू होता है, और ये होता तो ये होता। तो कहीं चीज़ वो बचपन से थी, और मैं इंडस्ट्री में जब मैंने ट्राई करना शुरू किया तो मेरा ये कोई एम नहीं था कि मुझे डायरेक्टर बनना है, बट क्योंकि हम लोग बाहर से आते हैं तो हम लोग को यही होता है कि हमें पता ही नहीं क्या उन कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। हमें तो डायरेक्शन, प्रोड्यूसर, म्यूज़िक डायरेक्टर, एक्टर, कुछ टेक्निकल लोग के बारे में तो ज़्यादा पता ही नहीं होता, और हम लोग ट्राई करने आ जाते हैं। लेकिन जब आप काम करने लगते हैं तो एक्चुअली आपको पता चलता है कि ये काफ़ी हज़ारों लोगों का मेहनत का एक फल होता है। एक मूवी कोई भी, या कोई भी वेब सीरीज़ या कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसको बनाना है कोई एक डायरेक्टर तो ये है कि फेस है, एक्टर फेस है, लेकिन उसके पीछे बहुत से लोगों की मेहनत है जो सामने नहीं आती है, बट उनकी मेहनत भी है। देखिए मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि साफ सुथरा की बात पे आऊँ, मैं रियलिटी दिखा रहा हूँ, मैं रियलिटी पे ये बिलीव कर रहा हूँ कि मैं चाहे वो फिक्शन कर रहा हूँ चाहे स्टोरी पे दिखा रहा हूँ, पर रियलिटी दिखा रहा हूँ। लोगों की दिल की बात, लोगों की दिल की बात। मेरा जो आपने उसका पोस्टर भी देखा होगा, उसमें एक चश्मा है जो पिंक कलर का है, यानी औरतों का नज़रिया, पिंक औरतों का रोल, माइक यानी औरतों को बोलने का ज़रिया। मैंने कोई बहुत ज़्यादा ये न्यूडी, देखिए जो औरतों के साथ हो रहा है उनकी लाइफ है। पहले क्या होता था, हाउस वाइफ्स होती थी तो उनका काम ही हाउस घर संभालना होता था, तो लोग उसमें डोमिनेट हो जाते थे कि हाउस वाइफ है उनको तो घर पे रहना ही रहना है। बट आज अलग चीज़ है, आज वो काम कर रही हैं, उनका अपना एक अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, वो अपनी लाइफ को खुद वो कर सकती हैं। तो हम लोग उनको क्यों अपने आप को बांधें? जो लोग बोलते हैं कि यार बसों में रिजर्वेशन दे दो, सीट का कर दो, उससे कभी इक्वालिटी आने वाली नहीं है। आप लोग अपने आप को खुद, अगर औरतें आगे बढ़ेंगी तो अपने आप को इक्वल करेंगे, और मेरा वही है कि वो इक्वल आए। देखिए फ़िलहाल तो कई सारे प्लान्स हैं, जैसे अभी तो मेरा यही वेब चैट शो पे बहुत कॉन्सेंट्रेट है। फैंटेसी फ्राइज, कई लोग बोलते हैं फैंटेसी फ्राइज नाम क्यों है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कई बार ऐसी दिल की बात होती है जो सामने नहीं बोल आती है, तो फैंटेसी है बट रियलिस्टिक है, ये रियल में कई लोगों की लाइफ में होता है। और बाकी मूवीज़ का प्लान है, पर अभी डायरेक्शन मूवीज़ में नहीं करना है, एक डेढ़ साल बाद देखेंगे, दो साल बाद देखेंगे। फ़िलहाल यही चीज़ें, और कुछ प्रोजेक्ट्स पर जुड़े रहना है।